यस, तो मैं हूँ आपका अपना सुप स्केलेटन। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। अब बचपन में स्कूल की बायो लैब में भी कुछ अलग ही बकचोदी होती थी। भैंचो मेंढक को ऐसे सीजे में सजा कर रखा जाता जैसे वो मेंढक नहीं कोई आटू जाटू हो। बताओ। और एक वो लटकती हुई हड्डी, उसे देख के तो अलग ही गांड पड़ती थी मेरी। और जहाँ उसे देखकर मेरी गांड पड़ती थी वहीं पर कुछ तेजस्वी बच्चे जिसे भगवान ने पर्सनली टच किया हुआ है, तीसरे क्लास से जाते ही उसके साथ कुछ अलग ही क्रिया करते हैं। कोई उसके हड्डियों वाले हाथ से अपनी पीठ खुजा रहा है, कोई उसे बीड़ी पिला रहा है, तो कोई उसके सर पर हाथ रखकर सेल्फी ले रहा है, और कुछ बच्चों ने तो मिलकर इसकी सामूहिक पिटाई ही कर डाली। तो बस इन्हीं सब बेस्तियों को बल्ला लेने के लिए ये हड्डी अब यूट्यूब पे आ गई है और एक एक करके सबको रोस्ट कर रही है। और अभी तक ये सिंगल हड्डी बहुतों को रोस्ट कर चुकी है, जिसमें इसने बोला तो कुछ नहीं पर सबकी ले ली। चलिए देखते हैं इस हड्डी के पीछे कौन छुपा है। आखिर ये है कौन सुप स्केलेटन? तेरे पड़ोस का फूफा। अब सुप स्केलेटन को तो छोड़ो, मुझे सबसे पहले ये बताओ ये कौन है और करेगा क्या ये उस हड्डी को जानकर? कुछ करना होता उसको तो बिना जाने ही कर देता, लेकिन एक चूल्हे से कि बस जानना है जिसे पता नहीं पहन तो जानकर क्या कर देगा। प्लीज रिपीट करो। और मैं बता नहीं सकता, मेरे को कितनी शर्म आ रही है। छीछी कितनी गंदी एक्टिंग कर रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसका आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अरे मेरा चेहरा आपको अच्छा लगे, अगर गाइस बुरा लगता तो प्लीज चेहरे के बारे में कुछ मत बोलना। चेहरा दिखाएगा तो कुछ बोलेंगे ना, और हम कुछ बोले ही नहीं तो फेस दिखा क्यों रहा है। यस, तो मैं हूँ आपका अपना सुप स्केलेटन। जाना अभी भी कई सारे लोगों का सपना और वो उतना आसान भी नहीं है। और रही बात, अगर आप लोग चाहते हो कैरी बनाती पे रोस्ट आए तो इस वीडियो पे कर दो 80,000 लाइक। इसकी इस वीडियो पर लगभग 2,00,000 लाइक है, मतलब जनता भी चाहती है कि ये हड्डी मेरा बड्डी कैरी मिनाटी पर रोस्ट करे। वैसे सच बताऊं तो मेरे हिसाब से कोई फायदा ही नहीं हुआ भाई के फेस रिवील करने का। पहले हमें पता था वीडियो में एक हड्डी है, लेकिन अब पता चला कि वीडियो के पीछे भी एक हड्डी है। सो हड्डी हड्डी इज इक्वल टू 0, नो प्रॉफिट फॉर फेस रिवील। और ये मेरी बच्चे वाली आवाज है, ये मेरी थोड़ी सी मैच्योर आवाज है, और ये मेरी अजीब सी आवाज, और ये मेरी आवाज है। अबे साले, तभी अब कुछ लोगों को लगता है कि ये ओनली 1 मंथ में इतना फेमस हो गया। कैसे? एक बार को तो मुझे भी लगा यूट्यूब वाले कहीं इसके रिश्तेदार तो नहीं है यार, नहीं मतलब इतनी जल्दी फेमस कौन होता है। फिर मैंने इसके ऊपर कुछ रिसर्च किया और यूट्यूब पर सर्च किया, बहुत सी वीडियो मिली लेकिन कुछ भी काम की नहीं थी। कोई कहता है सुप स्केलेटन का थंबनेल बहुत अच्छा होता है, तो कुछ कहता है सुप स्केलेटन लिखता अच्छा है। अच्छा, लेकिन ये सब गलत है। अब शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन इस हड्डी का एक और चैनल है जहाँ पर इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहले ही हो रखे हैं। इस सिंगल पसली ने अपने सुप स्केलेटन वाले चैनल को, जिसको कोई इतना जानता भी नहीं था, रोस्ट वीडियो बनाने के बहाने उसका प्रमोशन कर दिया। खतरनाक। बाय द वे, सारी वीडियो जो मैं देख रहा हूँ ये है सुप स्केलेटन, इसने बहुत सारे मीम्स बना रखे हैं इस पे, तो थैंक यू सुप स्केलेटन हमारा काम थोड़ा आसान करने के लिए। सुप स्केलेटन, मैं तेरी इतनी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तू स्ट्राइक ना दे चैनल पर, ठीक है? और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। जहाँ पहले इस हड्डी के ओनली 37,000 सब्सक्राइबर थे, वहीं पर वीडियो के बाद इस हड्डी के 2,00,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए। और फिर कुछ आटू जाटू यूट्यूबर्स ने और इसके ऊपर वीडियो बना दी, फिर उसका रिजल्ट आप देख ही सकते हो। तो बाकी जितने भी अब छोटे यूट्यूबर्स हैं मेरी तरह, वो बुरा ना माने यार, अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं वे अपनी मेहनत के कमाए हुए हैं। इसकी तरह हमने अपने चैनल को बड़े चैनल पे किसी से प्रमोट नहीं करवाया और ना ही चोरी छुपके प्रमोट किया है। तो बस ठीक है यार, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सबको ये पता चल सके। अब बस लास्ट में सबसे मैं यही कहना चाहूंगा, किसी के बाद 10 का नोट है? हाँ हाँ मेरे पास है भाई, दू क्या? तो बत्ती बनाया गांड में घुस ले। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है, बाय। वो है मैं गुस्से में ही रहता हूं। कहानी है जो सबको सुनानी है।